चुनाव से पहले इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। पहले पीयूष जैन और अब पम्मी जैन की बारी। सबसे पहले मलिक मियां के ठिकानों पर छापेमारी की गई, फिर अखिलेश के करीबी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन के यूपी से लेकर मुंबई तक 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। लेकिन इस छापेमारी को लेकर इनकम टैक्स की टीम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है। एसपी प्रमुख के मुताबिक इत्र कारोबारी पी जैन के ठिकानों पर अब छापेमारी हुई थी, तब रेड किसी और पर मारनी थी और छापा किसी और पर पड़ गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गलती से अपने ही आदमी पर छापा मार दिया। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी, लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए, अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले, जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन क्या छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। आपको बता दें कि पम्मी जैन का नाम सबसे पहले तब चर्चा में आया जब उन्होंने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में इत्र लॉन्च किया था। इसके बाद पीयूष जैन पर रेड के बाद उनका संबंध जोड़ा गया, लेकिन एसपी प्रमुख ने यह कहकर किनारा कर लिया कि पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पहले पम्मी जैन के यहाँ छापा पड़ना था और गलती से पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ गया? क्या अब जांच एजेंसियां भूल सुधार कर सही ठिकानों पर पहुंची हैं? क्या ये समझा जाए कि दो पी जैन का कनेक्शन अब खत्म हुआ है? बहरहाल देखना यह होगा कि 2021 का अंत होते होते समाजवादी इत्र वाले के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कहीं मुश्किलें ना बढ़ा दे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।